हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है और आज आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। मैंने संडे गार्डन ओवरव्यू नहीं दिया था तो किसी कारणवश, तो आज मैं ट्यूसडे को संडे गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर मेरा इनका वैरायटी का मैरीगोल्ड आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ही सुंदर ब्लूम हुआ है आज मेरे गार्डन में। ये देखिए फ्लावर की क्वांटिटी, देखिए फ्रेंड्स, ये येलो कलर के और इसमें देखिए एक वेरिकेटेड, मतलब मींस ऑरेंज कलर में, दो कलर में मैरीगोल्ड के प्लांट आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर के मैरीगोल्ड और ऑरेंज कलर के मैरीगोल्ड बहुत सुंदर ब्लूम हुआ है फ्रेंड्स मेरे गार्डन में। तो वैसे आज मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मैंने आप लोगों को संडे गार्डन का ओवरव्यू नहीं दिया था, तो मैंने सोचा आज मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर ब्लूम हैं तो मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। चलिए इधर आते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे सारे पिटूनिया का अपडेट, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर सारे मेरे पिटूनिया के फ्लावर में आए हुए हैं। ये देखिए, ये पर्पल कलर का पिटूनिया है। और इधर देखिए, ये गजनिया का बहुत ही सुंदर, देखिए येलो कलर का वेरियंट ब्लैकिश लुक पे है, बहुत सुंदर फ्लावर ब्लूम हुए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये आपके प्लांट में इस टाइप के, ये देखिए वीड्स अगर उगल जाए, लग जाए, तो इसे आप उखाड़ दीजिए क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का गजनिया का प्लांट है। और इस साइड ये देखिए पिंक कलर का वर्बीना का प्लांट, और ये देखिए वाइट वाइट पिटूनिया का प्लांट है। और इस साइड देखिए मेरा अमेरिकन हिबिस्कस बहुत अच्छे से ब्लूम हुआ है फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे गार्डन में आज फर्स्ट फ्लावरिंग हुआ है ये पिटूनिया का, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए इसके फ्लावर आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये लाइव बहुत ही, इसके जो कलर है ना, बिल्कुल डार्क पर्पल और ऊपर से देखिए स्टार वेराइटी का है, ये वाइट वाइट सा वेरियंट है इसका। और इस साइड देखिए, ये मेरे गजेनिया के तीन कलर हैं, देखिए ये येलो में है, ये ऑरेंज में, और ये देखिए पिंक में। ये ऐसे ब्लूम हुए 2 डेज हो गए हैं शायद। और इस तरीके से मेरा विंटर गार्डन दिखाई दे रहा है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा अडेनियम का फ्लावर, देखिए 1 वीक हो गया इसे, बंचेस पे फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल मेरे गार्डन में आज फूलों की वर्षा होने बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे हुआ है। ये देखिए पिंक कलर का, मैरून कलर का अडेनियम। तो इस साइड मेरे सारे अडेनियम के फ्लावर, देखिए ये पिंक का वेरिएशन वाला बंचेस में, देखिए इसके फ्लावर आए हुए हैं इस टाइप से। और पिटूनिया का अपडेट देना चाहूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए ऑरेंज कलर के ही हिबिस्कस, और इधर देखिए वाइट कलर के, और सभी बहुत ड्राई हो चुके थे, सभी ने मैंने अभी पानी दिया है। और ये देखिए, ये मेरा अमेरिकन हिबिस्कस है। इस साइड आएंगे तो सारे देखिए बहुत सुंदर सुंदर, ये देखिए ये वर्बीना का देखिए बहुत सुंदर कलर है, रेड और आधा वाइट पे है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लावर है फ्रेंड्स इसका, देखिए बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये देखिए मेरा पर्पल कलर का पिटूनिया। और इस साइड देखेंगे तो ये मेरा यूफोरबिया मिली, बहुत हैवी ब्लूमिंग पर है ये। ये मैं आपको एक चलते चलते नज़र दिखा देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये बोगनविलिया बहुत सुंदर, देखिए इसके जो पेटल है वो बिल्कुल पिंक कलर के हो गए हैं। और इस साइड से मैं आपको एक सरप्राइज दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे पिटूनिया का अपडेट, देखिए बहुत सुंदर, इसमें फ्लावर पूरे क्लस्टर पे आए हुए हैं, ये देखिए। और ये वाला देखिए फ्रेंड्स, पूरा पॉट को कवर कर लिया है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक है। ये देखिए, ये मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये देखिए। और साइड साइड पे ना ऐसे कलांचू का भी प्लांट है, इसमें अपने आप से ग्रो हो गया है। और इस साइड देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फ्लावर को 2-3 डेज हो गए हैं ब्लूम करे हुए। ये देखिए पिटूनिया का पूरा हैंगिंग बास्केट, और सारे मेरी सैपलिंग वाइट कलर के निकल गए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ मैं डार्क कलर लाई हूँ, बीच बीच में ऐड कर दूंगी, तो ये बहुत ही सुंदर एलिगेंट लुक दिखेंगे। ये देखिए ये वाइट कलर के, ये देखिए इस टाइप से
ये इस साइड देखिए पूरे मेरे वाइट कलर के पिटूनिया हैं, और इस साइड देखिए ये हैंगिंग में लगभग 5 प्लांट मेरे वाइट मैरीगोल्ड का मतलब वाइट पिटूनिया का हो गया। और इस साइड मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये पिटूनिया का बहुत सुंदर मैं क्या कलर बोला जाए इसे, गाजरी कलर बोलते हैं ना, वो कलर का इसमें ब्लूम हुआ है। ऐसे करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर कलर है। ये एक ऐसा प्लांट है जो मेरा ये गार्डन में अलग कलर हो गया, बहुत ही सुंदर इसका कलर है। फ्लावर की साइज़ बहुत बड़ी है, और ये देखिए ये कल ब्लूम हुए थे। और इधर मेरे पिटूनिया का हैंगिंग बॉल देखिए, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ पर है, पर्पल कलर, पिंक कलर, इस टाइप के इसमें सारे कलर अब लग रहे हैं। और कुछ देखिए इस टाइप से, तो एक छोटा सा वीडियो मैं अपने गार्डन के ओवरव्यू का दे देती हूँ। सारे मेरे जो सैपलिंग है वो देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं, किसी में तो बड्स भी आ चुके हैं, साल्विया खिल चुका है अभी थोड़ा सा। और इस साइड देखेंगे तो ये डहलिया, देखिए डहलिया भी बहुत अच्छी ग्रोथ पर है, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं सभी। और ये वाली डहलिया देखिए, और इसमें शायद फंगस का अटैक हो गया है क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो कर्ल हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं इसमें निमॉल का स्प्रे कर दूंगी। और इस साइड देखिए छोटे छोटे पार्ट पे मैंने सैपलिंग अपने अपने जो गार्डन के जो सीड्स थे ना उसी से मैंने ग्रो किए हैं, तो ये थोड़ा कम ग्रोथ है क्योंकि मैंने इसे लेट पे ग्रोथ किया था, मतलब डेवलप मतलब वो किया था, लगाया था। तो इस टाइप से देखिए, और इधर दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कैलेंडुला भी बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं। और इधर देखिए ये पिटूनिया का मैंने पूरा एक साथ सीड से लगाया था, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ऐसा लुक है मेरे गार्डन का आज। और इस साइड से मैंने देखिए पूरा अपना जो भी मेरा ऑनलाइन सर्कुलेन का प्लांट आया था तो मैंने देखिए ऐसे सभी को रिपोर्ट कर दिया है, बहुत सुंदर सुंदर। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाई हुई हूँ, वो भी मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर सर्कुलेन के प्लांट, ये देखिए एक नज़र आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये कैक्टस का है, और ये देखिए। और इस साइड मैंने सारे अभी पिटूनिया के छोटे छोटे बेबी प्लांट थे तो मैंने इसे रख दिया था, अभी सब अच्छी ग्रोथ करेंगे अभी। और इस साइड आएंगे तो देखिए ये मेरे पिंक कलर का बहुत सुंदर स्टार वैरायटी का पिटूनिया ब्लूम हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा आज का गार्डन का ओवरव्यू था फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और ये देखिए मैं आपको ऐसा दिखाती हूँ, ये देखिए सारे सैपलिंग अच्छी ग्रोथ पर हैं। और मेरे गार्डन का सेंटर पॉइंट बना हुआ है मैरीगोल्ड, जो सेंटर पर है लोटस के पॉट पे, हैवी क्वांटिटी में फ्लावर हुए हैं। नीचे बालकनी में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग हुई है। तो इस प्रकार से मेरा आज गार्डन का ओवरव्यू था। वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।